नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम को लेकर। दोस्तों इस समय एक बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, लो आ गई बड़ी खबर। तो दोस्तों आपकी जो पेपर की तारीख है वो 8 जनवरी 2020 फाइनल हो चुकी है। तो दोस्तों इसको लेकर एक विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके सामने ऑफिशियल विज्ञप्ति से हो रही है। तो दोस्तों चलिए पूरी अपडेट हम आपको पढ़कर बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2019 के संबंध में पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि साधना देर संख्या 948, ठीक दोस्तों 68/4/2019, ये सब दोस्तों दिया गया है। दिनांक 20 दिसंबर 2012 द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2019 को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 अपरिहार्य कारणों से निरस्त करते हुए आगामी परीक्षा तिथि शीघ्र घोषित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त क्रम में दोस्तों आपका साधना देश कुछ आपके सामने ऐसे जारी हुआ है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2019 जनपद स्तर पर दिनांक 8/1/2020 को पूर्व निगर्त, ठीक ना, निर्गत प्रवेश पत्र एवं पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर निम्न कार्यक्रम के अनुसार संपादित होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपका पेपर होगा 8/1/2020 को और दोस्तों पेपर टू भी आपका 8/1/2020 को ही होगा। तो दोस्तों जो समय आपका दिया गया था सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, और दोस्तों जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर होगा कक्षा 6 से लेकर 8 वाला या पेपर टू, वो दोस्तों आपका मध्यान्ह में 2:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा। तो उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। तो दोस्तों यूपी टेट न्यू एडमिट कार्ड 2019-20 को लेकर एक बड़ी अपडेट आई, उसको भी देखेंगे। अगर दोस्तों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दोस्तों मिल सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में थे कि पेपर 8 को होगा या 19 को होगा। तो दोस्तों इस समय आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएंगे। अब आपका पेपर बिल्कुल 8 तारीख को ही होगा, आपने विज्ञप्ति भी देख लिया है। देखिए दोस्तों एक और अपडेट आ रही थी, क्या आ रही थी कि यूपी टेट 2019 एग्जाम डेट को लेकर कि यूपी टेट की परीक्षा 8 जनवरी को कराए जाने के संबंध में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश ने जारी की विज्ञप्ति व परीक्षा कार्यक्रम। तो दोस्तों आपने देख लिया, तो दोस्तों कल आपने देखा होगा कि यार आपका उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा या यूपी टीईटी 2019 दिनांक 8/1/2020 को संपन्न किए जाने के संबंध में संबंधित माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश घोषित किए जाने तथा अनापत्ति प्रदान किए जाने के संबंध में आदेश जारी। टीईटी अब 18 को ही होगी। जी हाँ दोस्तों, आपका टीईटी का परीक्षा 18 तारीख को ही होगा। तो दोस्तों चलिए पूरी अपडेट आपको दिखा देते हैं। क्या है पूरी अपडेट कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अद्यतन अपना प्रवेश पत्र निर्धारित वेबसाइट से दोस्तों के माध्यम से अगर डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों वह दिनांक 1/1/2020 के अपराह्न से अपना ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए तो दोस्तों उनको मौका मिलेगा 1 तारीख के बाद, या 1 तारीख से दोस्तों समझ लीजिए दोपहर से आपको दोस्तों अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मौका मिल जाएगा, मतलब कल ही दोस्तों आपका 1 तारीख। और सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है ना, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी अपडेट है या दूसरा पॉइंट इनका कि अभ्यर्थी पूर्व निर्गत ऑनलाइन प्रवेश पत्र दिनांक 8/1/2020 को आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में सम्मिलित हो सकते हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व परीक्षा तिथि 22 दिसंबर 2019 का ऑनलाइन प्रवेश पत्र पूर्व में डाउनलोड किया जा चुका है, उन्हें नवीन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोस्तों आपने पहले से अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया है दोस्तों, जिस पर आपकी डेट मेंशन हो रही होगी 22 दिसंबर 2019 की, तो दोस्तों आपको कोई वैसे जरूरत नहीं है नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। लेकिन दोस्तों अगर आपको 8 जनवरी वाला एडमिट कार्ड अगर मिल जा रहा है तो दोस्तों वो ज़्यादा बेटर होगा कि यार 1-2 रुपये का आपका एडमिट कार्ड होता अगर आप घर से कर सकते, तो दोस्तों 8 जनवरी 2020 वाला एडमिट कार्ड आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा अगर आपको समय हो तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप लोग उसी के बेसिस पर पेपर दे सकते हैं, खाली वहाँ पर डेट का चेंजेस होगा और कुछ नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है कि परीक्षार्थी परीक्षा हेतु निर्गत किए गए ऑनलाइन प्रवेश पत्र पर अंकित दिशा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें एवं दिए गए दिशा निर्देशों का अनुश्रवण सुनिश्चित करते हुए संबंध अभिलेखों के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो। दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो सकते हैं, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो अभ्यर्थी का ही होगा। देखिए दोस्तों जो आपके इंस्ट्रक्शन, अगर आपके एडमिट कार्ड में जो भी आपके लिखी हैं चीज़ें, अगर दोस्तों आप उसको लेकर नहीं जाएंगे तो आप पेपर से बाहर हो जाएंगे, साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो दोस्तों देखिए इस बार आपका जो पेपर है वो कड़ी निगरानी में होने वाला है, तो दोस्तों आप एक भी गलती मत करिएगा जिससे कि वहाँ से आपको बाहर जाना पड़े, क्योंकि आपने इतने पैसे दिए, इतनी मेहनत की है, तो आपकी गलती की वजह से दोस्तों आप पेपर से बाहर हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान में रखना है। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश
निर्देशित किया जाता है कि वह परीक्षा अवधि में प्रदान किए गए प्रश्न पुस्तिका पर अंकित महत्वपूर्ण अनुदेशों का भलीभांति अध्ययन कर ले एवं दिए गए अनुदेशों के अनुसार ही उत्तर पत्र पत्रक मतलब OMR पर उत्तर अंकित करें। जी हाँ दोस्तों, जो उसमें गाइडलाइंस आपको दी जाएगी उसी को आप पढ़कर उसी के अनुसार आप जो भी दोस्तों उसमें लिखा हो जैसे वैसे ही आपको करना है। जल्दबाजी में कोई गलती मत करिएगा। देखिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे, जो भी दोस्तों उसमें आपका एग्जाम दिला रहे होंगे, टीचर्स लगे होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं सवाल, क्योंकि उनको दोस्तों कम से कम वो इतनी उम्मीद आप कर सकते हैं कि वो TET क्वालिफाइड होंगे, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो दोस्तों आपको जो बेसिक इन्फो होगा, जो जानकारी होगी वो दे सकते हैं। तो एक बार उनसे आप पूछ लीजिएगा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट लग रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो इसका ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के संबंध में पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति में दिए गए निर्देश यथावत रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी 2019 में आपकी विज्ञप्ति दी गई थी सब कुछ वही रहेगा, किसी भी प्रकार का देखिए यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया, इसको आपको समझना है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका पेपर हो रहा है ना, जो आपकी विज्ञप्ति पहले 2019 मतलब 22 दिसंबर 2019 को लेकर दी गई थी, सब कुछ वैसा ही है, खाली आपके एक चीज चेंजेस हो रहा है। क्या दोस्तों चेंज हो रहा है? आपका डेट। तो दोस्तों आपका पेपर 8 जनवरी 2020 को होगा, बस यही आपका बदला गया है, बाकी सब कुछ वही है। तो एक दोस्तों दूसरी चीज होगी, आप जो एडमिट कार्ड की बात हो रही है दोस्तों, तो हम कहेंगे कि आप उसको नया डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपके लिए बेटर होगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3-4 मिनट लगेंगे। जो बच्चे नए होंगे दोस्तों हम आपको पूरा तरीका बता देंगे आप UPTET का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से दोस्तों अगर नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो बेटर होगा। अगर आप नहीं कर सकते एडमिट कार्ड डाउनलोड तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल यहाँ पर लिखा भी गया है, तो अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे जो नया डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि सबको सही है कि 2 मिनट का समय दोस्तों यहाँ दिया जा सकता है। तो दोस्तों आज आप देख रहे होंगे 31 दिसंबर 2019 को ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों को ले आ चुकी है कि अब आपका पेपर 8 तारीख को दोस्तों होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 8 जनवरी 2020 को होगा, तो आपको पूरी अच्छे से तैयारी कर लेना, क्योंकि आप चाहेंगे कि पेपर में एक अच्छा स्कोर हो सके आपसे। तो दोस्तों देखिए कुछ और ऐसी चीज़ें दोस्तों अपडेट आई थी, तो वही सब दोस्तों हर जगह लिखा है कि विभाग में आपका 8 तारीख को अवकाश घोषित किए जाने पर, ये सब दोस्तों अपडेट आई थी, और अब आपका पेपर 8 तारीख को हो रहा है, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है। और आपको दोस्तों जो तैयारी करना है, यहाँ पर भी वही अपडेट थी 8 तारीख को लेकर कि 8 तारीख को आपका पेपर होगा, छुट्टी होगी, अवकाश होगा, ये सब अपडेट से। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है, आपका पेपर 8 तारीख को हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों 3 तारीख में अटकटे लग रही थी, 8, 11, 19 तारीख। तो 19 तारीख में दोस्तों देखिए मेन बात क्या है ना, आपका पेपर 8 तारीख को क्यों हो रहा है हम आपको भी यहाँ डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो पहले सोच रहे थे अगर आपको 19 को पेपर तब होता ना, तब दोस्तों आपका जो ये रूल था कि आपको न्यू एडमिट कार्ड के बिना एंट्री ना मिलती, लेकिन दोस्तों 8 तारीख के पेपर में क्या हुआ है, अगर आपने ओल्ड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और UPTET के अनुसार दोस्तों जो अपडेट आए थे, अभी सिर्फ 70,000 ऐसे बच्चे बचे हैं जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाया था। दोस्तों सिर्फ 70,000 बच्चों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो इसके साथ दोस्तों देखा गया होगा कि UPTET ने सोचा कि चलो ठीक है, ज़्यादा बच्चे तो बचे नहीं है, तो 8 को पेपर कराया जा सकता है आपका 1 तारीख से, एडमिट कार्ड 1 जनवरी 2020 से ऑनलाइन आ जाएगा, तो दोस्तों उसके बाद आप लोग कभी भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम कमेंट बॉक्स में उसके लिए आपको एक प्रॉपर लिंक दे देंगे, आप कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उस लिंक को दोस्तों आपको खोलना है, तो उस लिंक के माध्यम से सबसे पहले आप लोग अपना एडमिट कार्ड को एक्सेस कर पाएंगे, बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि कुछ बच्चे एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने का तरीका नहीं जानते, तो दोस्तों उसके हम एक प्रॉपर वीडियो बना रखे हैं, तो उसका दोस्तों हम लिंक आपको वीडियो का लास्ट में दे देंगे, उस लिंक के माध्यम से दोस्तों आप देख लीजिएगा कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड कैसे किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उस वीडियो में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट में बस यही कहना चाहेंगे कि आपको पेपर की तैयारी कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, अब समय काफ़ी कम है, देखिए इस समय न्यू ईयर का माहौल चल रहा है, नया साल आ गया, तो आपको भी पढ़ाई में हो सकता है कि थोड़ा बहुत मन कम लग रहा हो, तो यहाँ पर पेपर जल्दी हो के दोस्तों आपका ये एक नुकसान होगा कि जो आपकी तैयारी थी दोस्तों उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, जो आपका रिविजन था लास्ट टाइम में उतना अच्छा आपका नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अगर ये पेपर थोड़ा देर से होता तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता, लेकिन अब जल्दी हो रहा है तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यू ईयर का समय रहता है दोस्तों, नए साल पर सभी बच्चे पार्टी करते हैं, मस्ती करते घूमते हैं, तो हो सकता है दोस्तों आपकी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपकी आने वाले टाइम में जो नई शिक्षक भर्ती आएगी दोस्तों, तो उसको लेकर दोस्तों आपको थोड़ा सीरियस रहना है कि अगर कोई शिक्षक भर्ती आ जाएगी, अगर आपका UPTET क्लियर नहीं हो पाया तो आपको नुकसान होगा। तो बस दोस्तों हम आपसे इतना कहेंगे कि नए शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखकर आप पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जल्दबाजी में दोस्तों सिर्फ पार्टी करना, पढ़ाई ना करना, तो इससे आपको नुकसान होगा। तो पढ़ाई भी करते रहिए दोस्तों, और बाकी की जितनी भी वीडियोस हैं आपकी, मैथ हो चाहे हिंदी हो दोस्तों, सभी सब्जेक्ट्स के हम जो लिंक है कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे, मैथ की होगी दोस्तों, हिंदी हो गया आपका, EVS हो गया, एक बार कम से कम सारी वीडियोस को देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाल विकास हो गया दोस्तों, और आपका संस्कृत हो गया, ये इन 5 सब्जेक्ट्स के दोस्तों हमने वीडियोस आपके लिए बना रखी है,
कमेंट बॉक्स में तो इस सभी का लिंक दे देंगे, उसको जरूर आप देखेंगे तो आपका अच्छा खासा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों भूलिएगा मत वीडियो को देखना, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके हर एक ग्रुप तक आपको पहुँचाना है, क्योंकि अब दोस्तों आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट, और सभी बच्चों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।